तो प्रिय दोस्तों, अभी तक आप लोग इस पार्टी का रग्गा रंग रंग आप देख रहे थे और साथ ही में डीजे डांस भी देख रहे थे। तो आइएगा दोस्तों, आइए चलते हैं तमाशे की तरफ। आज की रात आप लोगों के समक्ष ए आई हुई न्यू कुणाल थिएटर संगीत पार्टी ग्राम बेहटा खुर्द डिस्ट्रिक्ट रायबरेली की तरफ से आप लोगों के समक्ष सुपर हिट और शानदार प्रोग्राम पेश किया गया है। तो आइएगा दोस्तों, ये ग्राम सभा छोड़कर आइए चलते हैं भालू नगर। तमाशे की पहली एंट्री आप लोगों के समक्ष पेश की जा रही है। मलिधारी नाग, मलिधारी नाग पतिव्रता नागिन अधूरा मिलन उर्फ डाकू बजरंग सिंह। आइएगा दोस्तों, आप लोगों के समक्ष इस भालू नगर के महाराज सूर्यभान सिंह बैठे नजर आएंगे। उनके महामंत्री देव सिंह और सेनापति पवन सिंह सभी लोग राज दरबार में बैठे नजर आएंगे। आपस में क्या वार्तालाप करते हैं और क्या बातें करते हैं आप लोग इस रंग मंच पर देखिएगा। हम सब ने क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब
मंत्री देव सिंह, इन कंपनियों को शाही खजाने से पांच पांच सरफिया और एक एक साड़ी देकर राज दरबार से रुखसत। बहुत अच्छी बात है महाराज, आप जैसा कहते हैं हम वैसा ही करोगे। दरबारियों, इन कंपनियों को पांच पांच सरफी और एक एक साड़ी देकर राज दरबार से विदा किया जाए, ये महाराज का हुक्म है। कंचनियों, आप लोग एक एक करके बारी बारी से आइए और अपना अपना इनाम लीजिए और महाराज को आदाब अर्ज करते हुए अपने अपने वतन के लिए रवाना हो जाइए। आपके भानुनगर राया के समाचार बिल्कुल ठीक है महाराज, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ए राया, आपके नाम की जय जयकार बहुत अच्छी बात है। महामंत्री जो सिंह है, किसी इंसान को दिक्कत तकलीफ कैसे हो सकती है? जो नहीं मंत्री जी, होना भी नहीं चाहिए। सेनापति पवन सिंह, कहो तुम्हारे बाड़ल के क्या समाचार? महाराज, बाड़ल की समाचार बिल्कुल सही है। पवन सिंह के रहते हुए बाड़ल पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बाहर के कोई कुछ बैठी हमारे भानुनगर में प्रवेश नहीं कर सकता। महाराज, आप बेफिक्र पवन सिंह के रहते हुए आपको बाड़ल की फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए सेना, अगर सिपाहियों की जरूरत पड़ती है तो दो चार और रख दिया। महाराज, आप बेफिक्र रहिए, पवन सिंह के रहते हुए सिपाहियों की कोई आवश्यकता नहीं है। इस भानुनगर में प्रवेश करने से पहले आतंकवादियों को
घुसपैठियों को पवन सिंह की लाश पर सिर गुजरना होगा। आप बेफिक्र रहिए महाराज, बहुत अच्छी बात है सेनापति। मंत्री देव सिंह, हम आज कुछ कहना चाहते हैं। सुनो देव सिंह वो सेनापति, ये हुक्म हमारा है। सुनो देव सिंह वो सेनापति, ये हुक्म हमारा है। और पूरी हुई इच्छा मेरी, खुशी दिल हमारा है। पूरी हुई इच्छा मेरी, खुशी दिल हमारा है। करो तैयारी सब जन, चलना है आज शिव मंदिर। करो तैयारी सब जन, ना है आज शिव मंदिर। पंचमी नागौती है, दूध उनको यही बात है मंत्रीवर और सेनापति। महाराज कहिए सेनापति, हमें मालूम है आज बरसों के बाद ऐसा खुशियों को दिन आया है। महाराज कहिए सेनापति, करुणा फिक्र ये राजन हमको बजाना है। चलेंगे साथ में हम सभी, सबको महाराज हम सब लोग तैयार हैं। महाराज आज परसों के बाद एक खुशियों का दिन आया है, महाराज के पाव भारी हैं। हम शिव मंदिर चलकर नाग देवता के दूध अवश्य पिलाएंगे। महाराज क्यों नहीं सेनापति, सेनापति उन्हीं का एक। हाँ महाराज, ये सब
भोलेनाथ की कृपा है कि वर्षों के बाद महारानी जी गर्भ से हैं। हाँ सेनापति, सेनापति चलो सभी लोग तैयारियां बनाते हैं और शिव मंदिर चलते हैं। जैसी आप पूजा तो करना ही चाहिए महाराज, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि महारानी गर्भवती है। अगर भगवान की पूजा करने से कहते हैं सारे कष्ट दूर हो जाते हैं महाराज, और फिर कहीं महारानी को बच्चा हो गया तो इस भानुनगर को कोई तो संभालने वाला चाहिए, क्यों नहीं? इसलिए शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए महाराज। आप कहे तो हम लोग आपका घोड़ा तैयार करो मंत्र। कोई बात नहीं, आज का दरबार यहीं से शांत हो जाएगा। हाँ मन, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाए और दरबारी मेन गेट बंद कर दिया गया। कहो भैया, आ चलो चलते हैं सब लोग, नाग देवता को दूध पिलाया जाएगा। महाराज बहुत खुश हैं। क्यों नहीं भैया? चलो यार चलते चलते कोई फिल्म ढांसते हैं। कहते हैं कि झुलनी मन के ना बनी, झुलनी मन के ना बनी, कि झुलनी मन के ना बनी, और पियावा जरगल तोर कमाई, झुलनी मन के ना बनी। क्या नाम है तेरा? आई एम मुन्नी लाल। ओ मुन्नी लाल, चुन्नी ललवा, मुन्नी ललवा, चुन्नी ललवा, ये नाम कैसा रख लिया? हमारे माँ बाप ने रखा, हम दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं, एक है आती पतवनी के हैं। काफी तो सालों की दोनों एक जैसी लगती है, इसमें कौन छोटा कौन बड़ा है? दोनों एक साइज के हैं। क्या जी? हाँ, हम जोड़ुआ नहीं तिलुआ थे, तिलुआ एक मेरा भाई चला गया, यानी तीन पैदा हुए। हाँ हाँ, इसीलिए तो साले छोटे हो गए। अगर कहीं अकेले पैदा हुआ होता तो फिर लंबा चौड़ा होता है। बतीसी नहीं दिखाना, नहीं तो फिर समझ ले। कार्य मुन्नी ले लो महाराज, आज शंकर जी की पूजा करने के लिए आज वहाँ पे नागों को दूध पिलाया जाए। हाँ तो चलो फिर बच्ची। लेकिन यहाँ 20 साल से गुलामी करते करते हम थक गए हैं, हमारा ख्वाब भी अधूरा रह गया। हम वही तो सोचता हूँ या महाराजा की उम्र भी खत्म होने वाली है, बुढ़े भी हो गए, अब महारानी जी अभी जवान है। सोचा जा रहा कि एक पुत्र हो जाए तो राजपाल को उठाने। अरे सोचता हूँ कि साले इन्हें नाग पूजा कराने के लेकर चलूं, रास्ते में खत्म कर दूं कार्य, महाराज को खत्म करके फिर यहाँ का महाराज आई एम देव सिंह बनेगा। आज तुम लोग हमारे साथ हमारी हुकूमत करोगे, लेकिन इस काम के लिए हमें एक इंसान का सहारा लेना होगा। काम के लिए कौन सा ऐसा इंसान है जिसका बिना सहारा काम नहीं होगा? वही तो बताता हूँ, सेनापति पवन सिंह को जानता है। हाँ? अगर सेनापति पवन सिंह ने अगर हमारा साथ दे दिया तो फिर हमें कोई महाराज बनने से रोक भी नहीं सकता। लेकिन एक तो सेना नायक है, ये विषय में कहो ना ही नहीं कर, चिंता मत कर, आओ चल करके सेनापति से मिलता हूँ, फिर बाकी का काम तुझे समझाता हूँ। चलो ये भैया इनके कौन कहा है, कौन करे रहा, अब इनके बरसों के ख्वाब है, इसका बरसों का ख्वाब है, लेकिन ये सेनापति का उनसे मिले गए, देखो कहा उनसे कहा कि कहा नहीं कहते, क्यों नहीं या बात बना दे कि बिगड़ा है, बनता है काम तो नहीं बनता है। फिर एक लाइन उधर
कि नया ने तरस है, अरे नया ने तरस है, और परदेसिया न आए नया ने तरस है। तैयारी हो गई, तैयारी हो गई केवल महाराज गाने का। हम सब लोग मिलकर शिव मंदिर चलेंगे, वह नाग देवता को दूध पिलाना है। ये महाराज का हुक्म है, क्योंकि वर्षों के बाद महारानी गर्भ से है। इसी खुशी के मौके पर शिव मंदिर जाकर नाग देवता को दूध पिलाना है। महाराज आ जाए बस तुरंत। सेनापति पवन सिंह ठीक हो? बाबा सिद्ध सिंह सही तैयारी हो चुकी है, सिर्फ महाराज के आने की देरी है। वही तो हम सब लोग मिलकर शिव मंदिर चलेंगे। मंदिर तो चलूंगा, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ सेनापति। बाबा सिद्ध सिंह जी, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? सोचताओ कहीं आप हमारी बात सुनकर इनकार न कर दे। आप कहना क्या चाहते हैं? जरूर बताऊंगा कि हम कहना क्या चाहता हूँ। तो सेनापति आपसे एक छोटी अरी आपसे छोटी अब दोनों बन कर रह गए हम दोनों गुलामी करते करते हम हार गया हूँ सेना। अपन करके हमें दासी गुलामी अब करते हुए हारा। आओ कहो हुकूमत मैं करूं जो ते दो मुझको सहारा। तो यहाँ का महाराजा ही अब देव सिंह बन जाए और तुम यहाँ के मंत्री भी बन सकते। आखिर क्या हो रहा, 20 साल से करते करते गुलामी को इज्जत मान सम्मान नहीं। महामंत्री देव सिंह, आप कैसी बहकी बहकी सी बातें करते हैं। अरे मैं जो कुछ कहता हूँ ठीक ही कहता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? महामंत्री देव सिंह अब मुझसे साथ मांग रहे हैं। वही तो कि मैं महाराज के संग गद्दारी करके तुम्हें यहाँ का महाराज बनाऊं। ईमानदारी में बरकत नहीं है जब तक बेईमानी पे उतारू ना हो जाओ। मां मंत्री देव सिंह समझने की कोशिश खाकर नमक महाराज का नहीं बनू दगाबाज। मत महाराज का नहीं बनूं दगाबाज, और नहीं चाहिए धन और दौलत नहीं नहीं। नहीं तक तो ताल मिला
सम्मान मुझे है भारी, जैसे नहीं तब तो ताज मुझे सम्मान मिला है भारी। और धोखा चलना सीखा नहीं कभी को हमारी धोखा, सिंह आप कैसी बैंकी बैंकी बातें करते हैं। आप पवन सिंह से गद्दारी की बात करती हैं। हमारी कौम ने कभी गद्दारी करना नहीं सिखा है, हमें इतना मान सम्मान मिला है, आप कैसी बातें करते हैं। वो बात नहीं है, अरे मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था सेनापति पवन सिंह, देख रहा था कि आप सैनिक सैनिक नायक है, आप कहीं आपका वो मन ना बदल जाए, इसलिए मैं आपको परीक्षा ले रहा हूं। मंत्री सिंह गद्दारी पवन सिंह के खून में नहीं है। और हाँ महाराज, हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं, आओ सब लोग चले। वो तो है, लेकिन आज तुम्हारी वफादारी की दाद देना पड़ेगा। आप भी हमारे जैसे हैं, जैसे हम भी महाराज का बहुत वफादार दोस्त, वैसे हम लोग तैयारी करते चलने की। मां मंत्री देव सिंह हम चलते हैं, आप भी आए, महाराज हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अरे ये साला महाराज का वफादार बना बैठा है। अरे आप तो साले को समझाता था कि हमारा कहना करेगा तो यहाँ मालो माल रहेगा, अच्छा जय सिंह से टकराया वो समझो मिट्टी में मिल जाएगा। ये वफादारी लेकर के घूमता है, वक्त का इंतजार है, वक्त जिस दिन वक्त आएगा इसकी वफादारी पे ऐसा बेईमानी का ठप्पा लगाऊंगा कि साला सेना पर जेल की चक्की पीसेगा।